विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने सरकार से स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर सवाल उठाए थे प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार ने शिक्षकों की शत प्रतिशत भर्ती का लक्ष्य अक्टूबर तक रखा है और इस भर्ती प्रक्रिया के लिए शिक्षार्थियों की संख्या को आधार बनाया जाएगा जिसके अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी शिक्षा विभाग की नई तैनाती के लिए अट्ठाईस अक्टूबर को काउंसलिंग आयोजित करने जा रहा है काउंसलिंग के बाद भी जिन स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता होगी वहाँ एल परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों की तैनाती की जाएगी इसके साथ ही प्रदेश के स्कूलों में ऐसे शिक्षकों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो वर्षो से गैर हाजिर है या फर्जी तरीके से नौकरी में आए हैं अब ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी जारी है जबकि देखिए नियमित रूप से उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सरकार सम्मानित करेगी देखिए पूरे उत्तराखंड प्रदेश में मैंने सदन में भी कहा था कि हम अक्टूबर तक 100 परसेंट टीचर दे देंगे आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी अब पाँचवीं काउंसलिंग जो है अट्ठाईस तारीख को हो रही है बेसिक शिक्षा की और कोई भी स्कूल उत्तराखंड की ऐसी नहीं होगी जहाँ के हमने टीचर विहीन होगी हमने कहा है कि जहाँ मिनिमम पाँच बच्चे हैं वहाँ हम एक शिक्षक देंगे जहाँ पाँच से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ दो शिक्षक देंगे जहाँ तीस से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ तीन शिक्षक देंगे जहाँ सत्तर से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ शिक, चार शिक्षक देंगे और जहाँ सौ से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पाँच शिक्षक देंगे आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड प्रदेश में अब शत प्रतिशत शिक्षक हमने दे दिए हैं और एल का भी रिजल्ट जो है नवंबर फर्स्ट सप्ताह आने वाला है एल में भी हम हंड्रेड परसेंट दे टीचर देने का काम कर रहे हैं अब टीचरों की कमी पूरे प्रदेश में कहीं भी रहने वाली नहीं